हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ कैटी द पिंक पांडा और आज हम यहाँ पर हैं एक प्यारा सा हेयर मास्क बनाने के लिए जो आपके बालों को एक हेल्दी शाइन देगा एक ही यूज़ में। तो मैं बिना लेट किए इस हेयर मास्क की तरफ बढ़ती हूँ, पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और उसके साथ जो वो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको पता चल जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो हम इस हेयर मास्क के बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं आपको शो करती हूँ कि हेयर मास्क यूज़ करने से पहले मेरे बाल कैसे लग रहे थे और अब मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। देखो आप एक शाइन देख सकते हो, ऊपर मेरे कैमरा की वाट लग गई है। सी सो बिना कुछ और बकवास किए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या यूज़ किया। इसमें मैंने एक बनाना केला जिसको मैंने काफ़ी दिन तक रख के अच्छे से पकाया है और यह ब्लैक हो गया है और ये देखने में बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। जितना ज़्यादा वो केला राइप होगा उससे आपके बालों को और ज़्यादा हेल्थ मिलेगी। तो आप एक केले को अच्छे से पका लीजिए, उसका ब्लैक ब्लैक डॉट डॉट्स और ब्लैक ब्लैक कलर हो जाए तब तक पका लीजिए। और फिर उसके बाद उसके अलावा क्या चाहिए होगा आपको, आंवला चाहिए होगा। आंवला एक अपने बालों के लेंथ के हिसाब से आप दो तीन जितने भी हैं हमें जूस चाहिए बेसिकली। मतलब हम आंवला को ब्लेंड करने वाले हैं केले और वन केला टू आंवला और टू टेबल स्पून ऑफ योगर्ट दही एंड टू टेबल स्पून ऑफ कोकोनट ऑयल। और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा हनी भी मिला सकते हैं, हनी आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है जो आपके बालों को शाइन देता है। तो मैंने अभी तो हनी नहीं मिलाया है, पर अगर आप चाहें तो हनी मिला सकते हैं जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सब आप मिलाकर एक मिक्सी में ब्लेंड कर लीजिए अच्छे से और उसे ब्लेंड करने के बाद अपने रूट से लेकर टिप्स तक उसे लगा लीजिए और लगाने के बाद आपको एक घंटे तक उसे छोड़ना है। आप आधे घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप एक घंटे के लिए छोड़ेंगे तो आपके बालों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और फिर उसके बाद देखिए आपके बालों में जो शाइन आएगी। मेरे डल बाल हैं थोड़े कलर करने के बाद, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि मैंने बालों को क्यों कलर किया और क्या ब्लंडर हुआ मेरे बालों के साथ। पर देखिए आप शाइन देखिए, मेरे बाल अब काफ़ी हेल्दी फील कर रहे हैं। और ये हेयर मास्क आप हर वीक यूज़ कर सकते हैं, मतलब हर वॉश से पहले, और आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। प्लीज़ ट्राई इट गाइज एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस हेयर मास्क के साथ। और कुछ भी जो भी आपकी एक्सपीरियंस है वो मुझे शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर वीक एक हेयर केयर मास्क मैं हेयर से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ, आगे और भी वीडियोज़ बनाऊँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।